हेलो नमस्कार। तो मैं अब आया हूँ राजस्थान में, तो राजस्थान के अंदर ये हमारे राजस्थान टीचर साहब है लटियाल, और आज मुंबई से गांव आके फिर वापस रवानगी है। तो ये है मेरा गांव। तो मेरे गांव में क्या है, देखो सबसे पहले ये मैं इसको राजराम जी लटियाल साहब क्या बोल रहे हैं बताओ, आप बताओ क्या बेर है? बेर है? राजस्थानी बेर है ये, राजस्थानी बेर है राजराम जी बोल रहे हैं, बेर का झाड़ है पूरा, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो बेर तोड़ रहे हैं झाड़ के, घर के आगे जो बेर के झाड़ हैं उनका, और बहुत मीठे मीठे बेर लगे। छोटे छोटा बेर का झाड़, फिर भी बेर कितने लगे आप देख सकते हो, फिर भी मीठे हैं, कच्चे हैं फिर भी मीठे, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये है यहाँ से घर के बाजू में रोड, और ये है मेरा गाँव का घर। तो गाँव के घर का मैं पूरा आपको डिटेल पूरा दिखाऊँगा कि कैसा मेरा बना हुआ है, किस तरह से बना, किस चीज़ से यूज़ किया मैंने। तो राजस्थान में ज़्यादा करके किस चीज़ से घर बनता है वो आपको पूरा दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिए। ये हमारे पंडित जी लटियाल साहब आए हुए, घनश्याम जी लटियाल साहब। तो ये अभी कुछ साग सब्जी लाए हैं, और बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छे जम्बेश्वर भगवान की साकी आरते हवन पूजा कराते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये अभी जो मेरा यहाँ पे बंगलो बना हुआ है राजस्थान का, इसका आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से बनाया है, कैसे बना है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि ये रोड से, ये यहाँ मेरा रोड टच में है, ये है घर के बाहर गेस्ट टॉयलेट बाथरूम। यहाँ से जो आपको पत्थर की जो कारीगरी दिख रही है, राजस्थानी पत्थर है जोधपुर के, अंदर ब्लैक पट्टी दिखती है और ग्रेनाइट की ब्लैक पट्टी डाली है, जो पत्थर को यहाँ से खुदाई करके पत्थर का डिजाइन करके ब्लैक पट्टी डालते हैं उसके अंदर, और फिर उसकी जिसको राजस्थानी भाषा में बोलते हैं चिड़ाई, जो बनाते हैं बांध काम करके, तो यहाँ बनते हैं। तो ये आगे है, तीनों तरफ ऐसा चौकी बनी हुई है, चौकी के अंदर ये पानी का जो स्टोर बना रहता है, कुंड बनते हैं, ये पानी का कुंड है घर के आगे सबसे पहले। तो यहाँ से मैं अंदर जाता हूँ, तो ये मेरे आप देख सकते हो खिड़की की तरफ किस तरफ कार्विंग की हुई है पत्थर की, मैंने डिजाइन की है। फिर अंदर जाता हूँ तो मैं ये बाहर एक चौक बना हुआ बड़ा सा चौकी, ये चौकी है बाहर का ओटला है, बाहर का ओटले के बाद में अंदर जाते एक बड़ा सा चौक बना हुआ है, जो मेहमान आते हैं तो यहाँ ज़्यादा कुछ चेयर कुर्सी सोफा लगा के बाहर भी बातचीत कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बाहर का आंगन है। उसके बाद में हम जाते हैं, ये गेस्ट बेडरूम है, ये आपको गेस्ट बेडरूम देखा किस तरह कारीगरी की हुई है, और ये मैंने डोर प्योर टिकवुड सागवान के बनाए हैं, कारीगरी करी खुद आगे, यह गेस्ट बेडरूम मेरा। फिर बाद में ये हॉल के बाद में एक अंदर का हॉल और है, डाइनिंग एरिया, वहाँ जाएंगे। उससे पहले आपको राजस्थानी कारीगरी में पूरा मैंने ये पूरे डोर बनाए हुए हैं, तो ये आप डोर देख सकते हो किस तरह के डोर बनाए हुए राजस्थानी कारीगर के, ये डोर है। उसके बाद है नीचे फ्लोर पे मैंने राजस्थान का ही मार्बल लगाया, जो फिगर जॉइंट होते हैं, ये ऐसा फिगर जॉइंट के पूरे फ्लोरिंग मार्बल है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद ये डाइनिंग एरिया मेरा हॉल का है, पूरा घर के अंदर का हॉल है, ये अंदर हॉल के अंदर हम लोग आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं अंदर हॉल के अंदर। बाद में फिर आपको मैं दिखाऊंगा ये बाहर स्टेयर गेस सीढ़ी चढ़ना, यहाँ से ऊपर जाते हैं स्टेयर गेस सीढ़ी की तरफ। हॉल में दो एरिया, एक तो अभी मैं आपको एंटर किया ये एरिया था, और दूसरा एरिया इधर साइड से जहाँ से इधर भी चौकी पूरी बनी हुई है, यहाँ से बाहर की तरफ एंटर कर निकलने का। तो यहाँ पे दोनों तरफ से मैंने घर के अंदर दरवाजा बनाया है, यहाँ पे बेसिन वगैरह सब लगे हुए हैं, नीचे मोटर रूम है, जो खांचा दिख रहा वहाँ पे मोटर रूम है। यहाँ से फिर हम लोग जाते हैं दूसरा रूम है, जो ये अंदर जो स्टोर रूम रहता है, या कोई गेस्ट ज़्यादा आ गए तो ये रूम के अंदर हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं, उसमें भी पूरा फ्लोरिंग मार्बल लगाया हुआ है जॉइंट वाले। तो इस तरीके से ये पूरा यहाँ पे ये पूरा बना हुआ है, आप देख सकते हो। बाद में जाते दूसरा गेस्ट मास्टर बेडरूम, जो मेरा मास्टर बेडरूम है, तो ये मेरा मास्टर बेडरूम जिसमें मैं पिंक कलर का फिगर वाला मार्बल लगाया हूँ, जो मेरे साहिल को पसंद था पिंक कलर, तो मैंने पिंक कलर का मार्बल लगाया हूँ। ये है मास्टर बेडरूम जिसमें अभी साहिल बैठे भी अंदर बेड के ऊपर, और यहाँ इस तरीके से बेडरूम में पूरी एसी वगैरह गांव में लगी हुई है, सब हर रूम में एसी लगाया मैंने। यहाँ पे थोड़ा जैसे अलमारी टाइप बनाते हैं, वो अलमारी टाइप गांव में बना हुआ है, और अभी इसका फर्नीचर बनाना बाकी, तो फर्नीचर बनाएंगे। ये अटैच टॉयलेट बाथरूम है, जो काफ़ी बड़ा है, एक बेडरूम जितना अंदर कोई नहीं सर, एक बेडरूम जितना अंदर इतना बड़ा बाथरूम है, यानी 11 फुट बाई 7 फुट का बाथरूम है। तो ये भी काफ़ी बड़ा बनाया मैंने, आप देख सकते हो काफ़ी लंबा है, लंबा स्पेस बनाया हूँ पूरा, 11 फुट बाई 7 फुट का बाथरूम है ये। यहाँ पे इसी तरह के यहाँ पे जैसे राजस्थान में टाइल चलती है,
वही टाइल के साथ मैंने टाइल्स लगाए। हम यहाँ पे पूरा शावर एरिया, शावर वगैरह लगा हुआ है, अटैच टॉयलेट बाथरूम काफ़ी बड़ा है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे स्टील की अलमारी रखी, क्योंकि हम लोग राजस्थान में रहते कम हैं, इसके लिए स्टील के रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे उदाई वगैरह नहीं लगे ज़्यादा, तो स्टील के कबाड़ रखे हुए हैं। यहाँ सीट्स रखी हुई जो हमें मिलती है कहीं पे। तो इस तरीके से मेरा ये पूरा घर का बंगलो आपने पूरा देखा, और मैं आपका बाहर से पूरा व्यू एक बार फिर दिखाता हूँ। इस तरीके से बाहर आते हम लोग, ये पूरा सीन है। वहाँ जो सामने है मेरा भाई का घर है, जो बड़े भाई साहब रहते हैं। ये इस तरीके से आप देखो कैसा लगा, मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा मेरे गांव की रोड, सड़कें आपको कैसी लगी, और घर भी कैसा लगा ये भी बताना, मेरा बंगलो कमेंट में ज़रूर बताना।